नमस्कार दोस्तों, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक है विज्ञान की। आज हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है कक्षा 8 के लिए, तो आज यह NCERT की बुक है, इसका रिव्यू किया जा रहा है। तो इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, NCERT बुक रिव्यू के नाम से प्लेलिस्ट है, बनी हुई है, जिसमें NCERT की बहुत सारी पुस्तकों का रिव्यू हमारे द्वारा किया गया है। क्लास 1 से लेकर 12 तक हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सबका रिव्यू किया गया है। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद मतलब NCERT की बुक है, तो आज हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसकी प्राइस ही देखिए, 60 रुपीज़ इसकी प्राइस है, 60 रुपये इसका मूल्य है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग NCERT की सभी पुस्तकों को घर बैठे आप लोग बहुत कीमत पर, बहुत कम कीमत पर परचेज कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग परचेज करना हो तो परचेज कर लीजिएगा। वैसे अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं, NCERT की सभी पुस्तकों का PDF लेना चाहते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ISPCS फ्री मटेरियल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो पूरा का पूरा मटेरियल आपको NCERT की सभी बुक का PDF मिलेगा। साथ ही साथ बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटर नोट्स मिलेगा, हर एग्जाम के लिए नोट्स मिलेगा, हर परीक्षा के लिए नोट्स मिलेगा, हर मीडियम में नोट्स मिलेगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो आप लोग टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यह जो आपका विज्ञान कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक है, इसका मूल्य तो आपने लोगों ने देख लिया, 60 रुपया इसका मूल्य। और इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वह मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं NCERT की इस बुक में। आप लोग देख रहे हैं अध्याय 18, मतलब 18 अध्याय हैं ये। देखिए अध्याय 1 जो है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, अध्याय 2 जो है सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु, अध्याय 3 जो है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, अध्याय 4 जो है पदार्थ धातु और अधातु, अध्याय 5 जो है कोयला और पेट्रोलियम, अध्याय 6 जो है दहन और ज्वाला, अध्याय 7 जो है पौधे और जंतुओं का संरक्षण, अध्याय 8 जो है कोशिका संरचना एवं प्रकार, अध्याय 9 जो है जंतुओं में जनन। तो यह सब सारे अध्याय हैं। और अध्याय 10 है किशोरावस्था की ओर। एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारा सेकंड चैनल है PCS पाठशाला, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक और चैनल है PCS पाठशाला, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक NCERT की क्लास चल रही है। कक्षा 6 से लेकर 12 तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक, इकोनॉमी, कंप्यूटर साइंस सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। और यह जो बुक्स अड्डा है, यहाँ तो एक एक करके मैं बुक्स का रिव्यू कर रहा हूँ। और देखिए अध्याय 11 जो है बल और दाब है, अध्याय 12 जो है घर्षण है, अध्याय 13 जो है ध्वनि है, अध्याय 14 जो है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, अध्याय 15 जो है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, अध्याय 16 जो है प्रकाश, अध्याय 17 जो है तारे और सौर परिवार, अध्याय 18 जो है वायु तथा जल का प्रदूषण। तो इस तरह से कुल 18 अध्याय हैं और 18 अध्याय आपको पढ़ने हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद आप लोग को। और PCS पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।